अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सैयदा एंड आई एम फ्रॉम स्टैक अप चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू रैंक फाइवर गिग ऑन फर्स्ट पेज। कैसे आप जो है वो फाइवर गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए आपको करना चाहिए, आपको गिग बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से आपको कीवर्ड यूज करने चाहिए, कहाँ से यूज करने चाहिए, आपको अपने कीवर्ड की जो है वो डेंसिटी कहाँ से जो है वो देखनी है, किस तरह से देखनी है, क्या क्या आपको उसके लिए गिग में करना पड़ेगा, वो सब चीजें आज मैंने अपनी इसमें रखी हैं। होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद भी आएगी और समझ भी आएगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपने करना क्या है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अब मैं सबसे पहले अपना फाइवर का अकाउंट लॉग इन कर लूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ें, मैंने बेसिकली आप लोगों को जो आज बताना है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपना गिग को रैंक कैसे करना है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बताना है। उसके लिए आप ये देखिए कि मैं इसको लॉग आउट करती हूँ क्योंकि ऐसे हम दूसरे लोगों को नहीं देख सकेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सर्च करती हूँ लाइक के मुझे कंटेंट राइटिंग, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि लोगों की फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक हुई हुई है, ठीक है। थोड़े से रीजंस मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ स्क्रीन के थ्रू। ये बंदी यहाँ पे फिफ्थ स्टार पे रैंक कर रही है, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, जो हम लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये देखिए कि कंटेंट राइटिंग में इन्होंने ऐसा क्या खास किया हुआ है जिसकी वजह से ये फर्स्ट पे रैंक कर रही है। लेट मी चेक, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्होंने अपना टाइटल जो रखा था वो रखा है कंटेंट राइटर ऑफ SEO, ठीक है। अब ये देखिए कि इन्होंने इनका जो फोकस है, कंटेंट राइटर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये जो कंटेंट राइटर है वो है SEO कंटेंट और उसी के आर्टिकल की। तो यहां पर बेसिक वर्ड क्या है, SEO। अब करना क्या है ये देखिए, इन्होंने किया हुआ क्या है, इन्होंने अपने फर्स्ट लाइन में SEO लिखा, SEO कंटेंट राइटर, ठीक है। जो इन्होंने टाइटल चूज किया था उस ही को इन्होंने यहां ये देखिए, यहां भी SEO यूज हुआ हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, यहां पर देखिए इन्होंने थोड़ा सा SEO वर्ड को कितना कितना यूज किया, अभी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इनकी मैं ये गिग लेती हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन लेती हूँ और इसको मैं जरा अभी आप देखिए मैं कैसे देखती हूँ, देखिएगा अभी। अच्छा, नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने क्या कीवर्ड चूज किया था। ये देखें, कंटेंट राइटर बंदी ने चूज किया, ठीक है, आर्टिकल राइटर चूज किया, SEO राइटर चूज किया, ब्लॉग राइटर चूज किया, ठीक है, मतलब सब इन्हीं की जो इन्होंने अपना टॉपिक रखा था उसी से रिलेटेड इन्होंने टैग्स चूज किए थे। अब हम ये जरा इनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहां पर देखते हैं कि इन्होंने इसमें कहां रैंक कर रही है। अभी देखिएगा, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कहां रैंक कर रही है इनके कीवर्ड्स, ठीक है, एक मिनट। उसके लिए हम कहां जाएंगे, कीवर्ड्स डेंसिटी पे, ठीक है। कीवर्ड्स डेंसिटी के लिए आप यहां चले जाइए, आपने चेक करनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने कहां जाना है, आपने बेसिकली इसको चेक करना है तो आप SEO रिव्यू टूल पर आ जाएंगे डायरेक्ट नीचे, ठीक है। अगर ये नीचे है तो ये यहां जो है वो थर्ड पे है तो आप यहां जाएंगे, ठीक हो गया। यहां पर आने के बाद हमने ये कह रहा है या तो आप URL इनपुट कर दें या आप यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट इनपुट, तो जाहिर सी बात है हमने कॉपी किया है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना जो हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ बताऊंगी कि मैं रोबोट नहीं हूँ भाई, बहुत दफा बताना पड़ता है यहाँ पे कि हम नहीं है रोबोट। फायर हाइड्रेट कहाँ कहाँ है वो चूज करना है, बताना पड़ता है इनको, हम पे शक ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइसिकल कर देते हैं, ये कुछ ना कुछ मसला थोड़ा बहुत करते हैं ये, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए जी, परफॉर्म चेक अब देखते हैं, देखिएगा अभी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन्होंने क्या किया है। ऑलराइट,
ये देखिए, अच्छा हमारा फाइवर जो है, फाइवर आपको ये बताता है कि जी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये इन्होंने वो सिर्फ आपको पांच की ऑप्शन देता है, पांच तक आप जा सकते हैं, पांच तक आप बहुत अच्छे कीवर्ड अगर आप रखते हैं तो ये आपको हर दिन की लिमिट जो है वो पांच कीवर्ड की है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंटेंट का वर्ड जो है वो फाइव टाइम चूज किया और ये 6.58% पर है। यहाँ पर इन्होंने चार यूज किए, बेस्ट में जा रही है, ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट पे बैठी है, रीजन ही यही है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि इन्होंने कितने अच्छे कीवर्ड्स चूज किए हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारे इनके कीवर्ड की रैंकिंग आ रही है। और तो यहां से आपने जो है वो डेंसिटी चेक कर लेनी है, ठीक है, कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स अगर चूज करते हैं आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, डिस्क्रिप्शन लिख लें। अच्छा, सबसे पहली बात आपने करना क्या, आपने सबसे पहले जो टैग में जो आपने टाइटल चूज किया उस टाइटल को आपने सबसे पहले उठाकर, या तो आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर ले, नो इशू, या फिर आपने जो टाइटल में कीवर्ड चूज किया हुआ है उसी को सेम को आपने अपनी फर्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक हो गया। फर्स्ट लाइन में लिखने के बाद इस बंदी का जैसे मैंने आपको दिखाया, आपने वो कीवर्ड जो आपने अपने टाइटल में चूज किया है वो आपके हर पैराग्राफ में आना चाहिए, हर पैराग्राफ में चूज होना चाहिए, वहां पर रखना है आपको, ठीक है। और फाइव टाइम चूज, इतना ज्यादा चूज ना कर लिएगा कि वो आपको निग्लेक्ट भी कर दे, ठीक है, राइट। अब आपने करना क्या है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने कीवर्ड कैसे चूज करना है। यहां तक हो गया, डेंसिटी तक आपको समझ आ गया कि आपने कीवर्ड यहां यहां रखना है, प्लेसेस आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि आपने कीवर्ड चूज कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आप यहां पर आ जाएं और यहां पर आने के बाद आप यहां निकालेंगे LSI ग्राफ, ठीक है, LSI ग्राफ आपने निकाल लेना है। ये LSI ग्राफ आ गया, यहां पर आप क्लिक कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। यहां पर आप अब बेसिकली कीवर्ड, अपने कीवर्ड आप किस तरह चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रही हूं कि जी मुझे कंटेंट राइटिंग पर काम करना, चलें कंटेंट राइटिंग रख लेते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग मैं यहां देखती हूं कि मुझे इसको लेकर कितने कीवर्ड मिल जाएंगे। बहुत ये बहुत अच्छा है, आप ये चूज कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर आ गए, ये मुझे मिल गए। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम जॉब ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आप रख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग की डिस्क्रिप्शन करके रख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल भी रख सकते हैं, ठीक है। और आप रख सकते हैं यहां देखिए कंटेंट राइटिंग फ्रीलांस जो है वो राइटिंग भी रख सकते हैं आप, एंट्री लेवल राइटिंग कर सकते हैं आप, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग रख सकते हैं आप, ठीक है। यहां से आप अपने सारे कीवर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग सर्विसेज चूज कर सकते हैं, ये देखें कितने यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये वाले जो है ना, ये जो ज्यादा यहाँ पर यूज हो रही है, इसका जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये आप रखेंगे तो आपका जो कीवर्ड है वो बहुत बहुत ही अच्छे से जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। दो तरीके हो गए, एक तो आपने LSI ग्राफ देख लेना है, यहां से कंटेंट अपना यहां से आपने चूज कर लेना है कीवर्ड, ठीक है। दूसरा कहां से चूज करना है, किसी भी फर्स्ट पेज पे जो लोग रैंक कर रहे हैं उनके जैसे ये है सेकंड पे, पहले का मैंने आपको जो है ना दिखाया था, दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे ने क्या कीवर्ड चूज किए हैं इनके आ जाए सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे आ जाते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इन्होंने कौन सा, ये देखिए यहां से चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, LSI ग्राफ वाला, दूसरा आप ये, या पहला आप ये रख लें, दूसरा आप जो है वो वहां से ले लें, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड जब आप रखेंगे तो फिर आप कभी भी, आपकी मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी गिग बैक सेकंड पे भी चली जाए, सेकंड पे भी नहीं जाएगी पेज पे, आपकी गिग फर्स्ट में ही रैंक करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, तो आपने अपनी गिग रैंक, हर कोई ये सवाल करता है कि हाउ टू रैंक माई गिग, तो ये अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने कैसे रैंक करना है अपनी गिग को, ठीक है। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप लोगों के लिए ही टॉपिक्स रखे जाते हैं, चूज किए जाते हैं, वीडियो को पूरा जो है वो देखा करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि हमने किया क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं और जो है वो नेक्स्ट अब उसमें वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।